बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वेजिटेरियन के लिए एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है गोभी आलू, और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से मैं बनाऊँगी। और अगर आप सारी रेसिपी को फॉलो करेंगे और तमाम स्पाइसेस इसी तरह लेंगे तो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। इसमें हमने ये होल गर्म मसाला लिया है, इसमें धनिया है और काली मिर्च है, ज़ीरा है, क्यूमन सीड, और इसके साथ बड़ी इलायची है। बड़ी इलायची जो है वो इसकी बादी को ख़त्म करती है। दालचीनी है, इनको हमने लहसुन के साथ चार पांच जो जवे हैं उसके साथ हमने कूट लेना है या पेस्ट बना लेना है। इसके बाद हम प्याज लेंगे और उसको लाइट ब्राउन करेंगे, और फिर ये गार्लिक और होल स्पाइस का जो हमने पेस्ट बनाया है ये डाल लेंगे। इसमें आप एक हरी मिर्च भी साथ जो है वो पेस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ जो स्पाइसेस हैं वो बेसिक हैं, लेकिन इसके में एक और स्पाइस जाता है, वो होता है काली मिर्च, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी बादी वाली है, तो इसकी बादी को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ डालनी ज़रूरी होती है। इसमें हल्दी जाएगी, नमक जाएगा, काली मिर्च जाएगी, और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जाएगा। इसके साथ कुटी हुई सुरख मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जब स्पाइसेस डालें तो फिर साथ थोड़ा सा पानी डाला करें, इससे फिर वो जलते नहीं हैं। मसाले को अच्छी तरह तैयार करके, तो जो टमाटर मैंने दिखाए हैं एक लार्ज साइज का था, एक मीडियम, इसका हमने पेस्ट बना लिया था, ये शामिल करेंगे। मसाला थोड़ा सा जब मुन जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले हमने आलू डालने हैं। आलूओं को हमने थोड़ी देर इसमें तकरीबन 3-4 मिनट पकने देना है, उसके बाद फिर हमने गोभी शामिल करनी है। गोभी में ऑलरेडी पानी होता है और आलू थोड़ा देर से गलने थे, इसलिए हमने उन्हें पहले गला लेना है और फिर गोभी शामिल करनी है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर रिलीज़ किया हुआ है आलूओं ने भी, इसके साथ हमें ऐसा कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डालना है तो बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा ना डालें, क्यों, वरना फिर ये घुल जाएगी बिल्कुल सारा कुछ। और इसको आपने दम पे पकाना है। ये इसकी खुशबू या स्मेल ख़त्म करने के लिए लेमन जूस या 1 स्पून विनीगर आप डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और गोभी की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको कवर कर दें, पहले हीट हाई रहने दें, उसके बाद लो पे कर दें, और ये देखें ये तकरीबन 6-7 मिनट बाद ये रेडी हो चुका है। ये दम में पकी हुई है, पानी भी नहीं डाला था। और फिर इसमें ये हरी मिर्चें शामिल करें, इसमें हल्का सा कट लगा लें। इसके साथ जो बाकी दो चीज़ें जाएंगी जो गोभी में ज़रूर शामिल की जाती है, ज़रूरी होती है, वो है कसूरी मेथी, और इसके साथ आप होल गरम मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं पिसा हुआ, और जिंजर जो है वो हमने इस वक्त डालनी है, पहले नहीं डालनी, क्यों, इससे जिंजर का इफ़ेक्ट जो है वो इसको हज़म करने में, इसकी ये बादीपन को ख़त्म करने में बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो धनिया और जिंजर जो है वो इस तरह बारीक कटी हुई अब हम शामिल करेंगे। इसके बाद इसे मिक्स कर लें, और इसको हम पीटा ब्रेड, रोटी, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। सेम यही रेसिपी आप ब्रोकली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी ऑल।